है, खान सर, जो है वो, रतन टाटा के बारे में क्या बोल रहे हैं वीडियो के अंदर जाके देखेंगे और, और रतन टाटा जो है वो इंडिया का जो है वो दो हजार चौबीस का जिसे कहते है ना सबसे बड़ा लॉस है उनके लिए तो रतन टाटा जी की डेथ के बाद जो है वो बहुत ज्यादा लोगो ने जो है वो इस चीज के ऊपर वीडियोस बनाई अफसोस का इजहार किया और काफी बातें होती है लेकिन एक इंसान जब चला जाता है ना फिर मैं कहती हूँ उसकी बस यादें ही रह जाती है। और रतन टाटा जी के लिए एक ही चीज बोलूंगी बहुत डाउन टू अर्थ बंदे थे यार जो कोई शो शपटा नहीं है उनके अंदर कोई इतना रिच बंदा हो ठीक है और होता है ना किसी बंदे के अंदर बड़ा शो शपटा होता है सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव होना कि हमारे पास इतनी दौलत है ये वो बट रतन डाटा ऐसे बिल्कुल नहीं थे बहुत ही सादा किस्म के वो इंसान थे यही उनकी चीज जो है वो सबको पसंद आती थी तो आज देखते हैं खान सर खान सर भी यार बड़े मतलब वो कहते हैं ना कि बड़े सादा मिजाज है उनकी अपनी लैंग्वेज के अंदर बात करते हैं ज्यादा शो शपटे वाले नहीं है खान सर भी वैसे ही है तो गाइज लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा और दबा के इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा

पार्षित थे ये तो मैं, मैंने भी सुना गृह मंत्रालय आज चाहे तो किसी को नागरिकता दे सकती है समझा कि नहीं कोई झमेला नहीं है गृह मंत्रालय गवर्नमेंट का है लेकिन मीडिया में कुछ रहना चाहिए समझा क्या जैसे हम लोग हम लोग के लिए भी क्या चीज है पढ़ाई है पढ़ाई खास करके जीएस इतना समुंदर है ना कि हमको आलतू फालतू चीज़ों को ध्यान ही नहीं देना पड़ता लेकिन अगर वही छोटा सा पढ़ाई रहता तो हम भी अंटसन बत, बत, बताते हमारा जीएस ये इतना है कि अगर पढ़ाता पढ़ाना चालू करे आदमी तो ये पूरा ये हमारा ई वाला जन्म खत्म हो जाएगा खत्म नहीं होता है जीएस सब चीजें पकड़ लीजिए यहाँ से समझाया कि नहीं आ गया लेकिन नेताओं को क्या चाहिए उन सबको तो पता है ये डाटा पे भाग जाएगा सब यहाँ पे इसलिए आप इतने उम्मीद मत रखिएगा कि मीडिया में जाएंगे किसी नेता से कहिएगा कि बताओ कितना स्कूल बनाए तो आपको मीडिया वाला बर्दाश्त करने देगा तुरंत एंकर कहेगा अच्छा रुकते हैं एक ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और पांच मिनट में आपका व्यवस्था कर देगा कैमरा बंद करके समझा कि पैसा देता है सब हम लोग कहता है खान साहब ये बात बस बोल दीजिए जितना पैसा कहिएगा हम कहें तू हमारा कौन चीज समझता सड़क छाप हाँ डिबेट में यहाँ पे डिबेट में बैठने के लिए भी सामने को बराबरी योग्य होना चाहिए लेवल लेवल सबके निकलेंगे कोनो का अगल बगल ले गई एक <laughs> एको मीडिया वाला था महिला थी अब नाम नहीं लेंगे बेचारी उसकी वो हमसे कहती सच्चा सा जीडीपी बजट आया है जीडीपी बहस का नाम है जीडीपी तीन टाइप का होता है बताइए आपको तीनों पता है हम तो एक ही जान रहे हम <laughs> और बेचारी कंफ्यूज हो नॉमिनल जीडीपी पीपीपी जीडीपी रियल जी डी पी आपको जीडीपी आप बहस कीजिएगा इसमें से कौन से जीडीपी में कीजिएगा अरे बाप बाप रे ये सब भी होता है उधर ही एजुकेशन चलिए हम लोग पहले समझते हैं एनआरसी ठीक है उसके बाद समझते हैं सी ए दोनों एक दूसरे का एक है पहचान करता है एनआरसी और नागरिकता देता है सी ए सी एनआरसी पहले सी समझेंगे कि पहले एनआरसी हाँ? हमारा देश आज से नहीं शुरू से ही महान रहा है शुरू से ही हमारे देश में किसी भी व्यक्ति को धर्म के हिसाब से नहीं सताया गया और अगर आपको ये लगता है कि धर्म के हिसाब से सताया जा रहा है किसी को यकीन मानिए आप न्यूज चैनल खोल के बैठे हुए हैं अगर न्यूज को न्यूज वालों को आइसोलेशन में डालेंगे ना तो कोरोना से भयानक ये न्यूज वाले हैं इनको क्वारेंटीन करने की जरूरत है पूरा देश में खुशहाली है यहाँ किसी भी पड़ोसी को किसी से कोई दिक्कत नहीं अगर आपको लगता है कि देश में माहौल खराब है इट मीन आप न्यूज देख रहे हैं आप देश नहीं देख रहे हैं <laughs> न्यूज देख रहे हैं आप देखने के बाद ना खाली वैसे लोग को वहां बैठाया जाता है जिनकी कोई योग्यता नहीं है उन्हें ग्रुप डी का क्वेश्चन दे दीजिएगा तो नहीं सॉल्व हो पाएगा भाग जाएगा सब वहां पे <laughs> अब ऐसे लोगों को बैठाया जाता है तो भारत शुरू से महान रहा है जब भी किसी देश को सताया गया है तो वहां के लोग भारत में आए हैं स्पेशली धार्मिक कारणों से जब सताया गया है तो जब कभी आपके ऊपर धर्म के हिसाब से अत्याचार होता है तो इसे रिलीजियस परसिक्यूशन कहा जाता है टेक्निकल वर्ड याद रखना है क्या जी रिलीजियस रिलीजियस परसिक्यूशन परसिक्यूशन रिलीजियस परसिक्यूशन मतलब धार्मिक प्रताड़ना यहाँ पर ईरान में पहले पारसी लोग रहते थे कौन रहते थे पारसी लेकिन ईरान में जो क्या हुआ ईरान में अरब का क्या हो गया आक्रमण हो गया पारसियों को वहां से भागना पड़ा पारसी धर्म के लोग बड़े शांत होते हैं शादी विवाह बड़ा कम ही मतलब इन लोग में इनकी जनसंख्या बहुत कम होती है रतन टाटा ने भी नहीं की ये अपनी आय का अधिकांश हिस्सा दान कर देते जिसमें आप रतन टाटा का नाम सबसे पहले सुनो सैल्यूट इंसान मतलब देश के लिए बहुत जितना उन्होंने दान दिया ना उसको टाटा ने जितना दान दिया है ना उतना में कितना लोग खड़ा हो जाएगा वहां आज भी बहुत दान देते हैं अच्छा। तो पारसी लोगों को यहां से बारहवीं सदी में भागना पड़ा था और ये भाग के आए थे गुजरात और महाराष्ट्र के पास में तो गुजरात पास पड़ा था तो गुजरात के राजा ने कहा था कि हमारे राज्य में तो जगह नहीं है आप लोग का कल्चर भी अलग है हम कैसे रखेंगे तो पारसियों ने क्या कहा था बड़ा अच्छा वहां पे एग्जाम्पल दिया दूध रखा हुआ था राजा के टेबल पर उसका देखिए इस गिलास में पूरा दूध भरा हुआ है और उसमें थोड़ा सा चीनी डाल दिया कहा कि जिस तरह से इस गिलास भरे में कोई जगह नहीं था लेकिन चीनी इसमें संभाल गया पूरा घुल मिल गया और इसके स्वाद को भी बढ़ा दिया हमें भारत में जगह दीजिए हम भी इसमें घुल मिल जाएंगे कोई तकलीफ नहीं देंगे बल्कि भारत को और आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे और वो बहुत अच्छा से उन्होंने सहयोग किया वो बहुत कम है उनकी परसेंटेज में भी संख्या में भी नहीं आता दस मलों में आते हैं लोग परसेंट में लेकिन बहुत शांति प्रिय तो बारहवीं सदी में हमने किसे शरण दिया जब पहला एक रिलीजियस प्रोसिक्यूशन दूसरा उन्नीस में जब देश आजाद हुआ बहुत सारे सिख और बहुत सारे हिंदू लोग पाकिस्तान से भाग के कहाँ आए थे भारत में दूसरा हम लोगों ने कब दिया उन्नीस 1959 में चाइना ने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया कहाँ कर गया बहुत सारे तिब्बत के लोग भारत में आ गए और रिफ्यूजी कैंप बनाया गया था कहां पर दिल्ली में जो मुखर्जी नगर का एरिया है ना जहां कोचिंग चलता है उसके आसपास में बहुत बड़ा एरिया में मुखर्जी वहां पे एरिया में रिफ्यूजी कैंप बनाया गया था जहां पे इन लोग बहुत सारे संख्या में रखे गए थे आज भी ये तिब्बत के लोग यहाँ पटना में एक मार्केट लगता है लहासा मार्केट जंक्शन के बाहर तो हमारे यहाँ तिब्बत के बौद्ध लोगों को रहने में कोई दिक्कत नहीं होता तो दूसरा यहाँ हुआ था उसके बाद चौथा नंबर पे रशिया ने आक्रमण कर दिया था अफगानिस्तान के ऊपर सेवेंटी में तो बहुत सारे लोग अफगानिस्तान से कहाँ आ गए भारत में ये कब आए थे 79 में 70 ये कब आए 12वीं सदी में तो यहां से आ गए लोग 1980 में तमिलों के ऊपर भयानक अत्याचार हुआ -E, एलटीटीई लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम यहां से बहुत सारे तमिल लोग भाग के कहां शरण लिए भारत, भारत में भारत में बहुत सारे लिए कब लिए 1900 1980 के दशक में यहां से भी भाग के क्या लिए थे लोग शरण लिए थे यहां पे 1971 में 1971 में बांग्लादेश से जब लड़ाई हुआ था तो बांग्लादेश में बहुत भयानक अत्याचार हुआ पाकिस्तान अपना ही उसका देश था बांग्लादेश बंगालियों को कहता था तुम किसी काम के नहीं हो क्योंकि वो बंगाली बोलते थे ये अपने आप को श्रेष्ठ सोचते इसकी सेना अपने ही देश में घुस के ऑफिशियली 30000 महिलाओं का रेप किए थे सब इसकी सेना खुद अपने देश की ये किसी के नहीं है अगर आपको लगता है कि मतलब नहीं ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए तो उनको इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है समझा कि नहीं इस ये अपने ही देश का और लॉजिक क्या दिए थे ये बंगाली बांग्लादेश वालों को बोले थे ये बांग्लादेश वाले प्योर पाकिस्तानी नहीं है इसलिए जब हमारे बच्चे पैदा होंगे तो प्योर पाकिस्तानी होंगे ये लॉजिक है इनको इनका। ये लोग भाग के कहाँ आए थे भारत में आए थे और इतने लग, करोड़ों की संख्या में लोग शरण लिए थे हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना इनको शरण देने के चक्कर में विफल हो गई अनाज कम पड़ गया था लेकिन भारत किसी भी देश का नाम एक दिन में नहीं हो सकता है शरण देते आया यहां पर तो उन्नीस में mm. बांग्लादेश के लोग आए समझा गया दो हजार में म्यांमार से मारा गया किसको को रोहिंग्या को तो रोहिंग्या दो में कहा शरण लिए यहां से यह मामला तेज पकड़ लिया रोहिंग्यों से समझ आ गया कि नहीं अगर? आगे बढ़े लेकिन इसमें हमारी भी गलती है जब रोहिंग्यों को सेटल नहीं करना था तो सेना को पीछे को पीछे क्यों हटने आदेश दिया गया सेना अगर घुस ख... जाएंगे चाइना में आप म्यांमार में घुस के देखिए तो उसकी सेना को सख्त आदेश मार देना लेकिन म्यांमार से कैसे घुस गए सब रोहिंग्या इतना ज्यादा सेना तु... पीछे हटी थी आदेश देखिए जैसा आदेश रहेगा वैसे ही सेना करेगा सेना को बोलिए ना तू म्यांमार खाली करा के चलाए <laughs> नहीं समझे क्योंकि मीडिया को एक मसाला मिल गया मीडिया से पूछिए ना अच्छा ठीक है रोहिंग्या समस्या है ठीक है ये सब चीज है उसको सॉल्व करेंगे आने कौन दिया मिलते हैं ब्रेक के बाद <laughs> <laughs> आप बीमारी को आने क्यों दिए आप लाखों की संख्या में घुसा दिए यहां पर अब म्यांमार मानेगा ही hmm. नहीं क्योंकि वो डॉक्यूमेंट लेके तो आए नहीं है पासपोर्ट लेके आए नहीं है तो आपको पहले ना सोचना चाहिए यहां पर देश की समस्या तो तो दे लो इतने लोग भारत में क्या हो गए आ गए अब दिक्कत हो गया कि इन लोग को नागरिकता कैसे दिया जाए इन लोग के पास एक ही ऑप्शन था सबसे जल्दी नागरिकता लेना है तो पंजीकरण किसके द्वारा पंजीकरण द्वारा किसके द्वारा पंजी तो भारत सरकार ने एक घोषणा किया कि जो भी लोग स्पेशली भारत में आए थे अफगानिस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश में यहीं पे कहां-कहां से अफगानिस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश तो सरकार ने एक नियम बनाया कि जो भी लोग यहां जो भी अल्पसंख्यक धार्मिक प्रताड़ना के शिकार हो रहे हैं समझिएगा टेक्निकल वर्ड सोचिएगा माइनॉरिटी जो भी रिलीजियस प्रोसिक्यूशन को फेस कर रहे हैं वो भारत में आ सकते हैं लेकिन शर्त यह है कि 2014 से पहले आए जाना चाहिए तब हम उन्हें 2020 में नागरिकता दे देंगे ये देखिए ना ये तो ऑलरेडी पंजीकरण के शर्त को पालन नहीं कर लिया नहीं पालन कर लिया अरे भाई 2014 से पहले आए हैं और आपको दिया जाएगा 2020 में तो चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस हो तो गया पंजीकरण का हो गया तो इसके लिए एक अलग से नियम बना दे सी ए क्या ये अलग नियम है सेम पंजीकरण है सेम क्या है पंजीकरण आपको पहले से पता है ये तो हमारा रजिस्ट्रेशन में पहले भी कितना साल है सात साल तो सीए के थ्रू क्या आपको अभी यह नागरिकता मिल जाएगी अभी अफगानिस्तान से कौन आया गया सी ए देखिए हमको सताया गया दीदी कब से आना चाहिए दो हजार चौदह से पहले पंजीकरण का कानून 1955 में ही बन चुका था जिसमें कम कम से कम कितने साल बना था तो ये लोग तो सात साल का नियम पालन ही कर लिए थे अब मीडिया में बवाल क्यों हुआ मीडिया में बवाल नहीं हुआ बवाल कराया गया था समझिए कैसे सुप्रीम कोर्ट में या जब नियम बना तो हम लोग कानून के ऊपर नहीं है हम लोग संविधान के नीचे संविधान कहता है कि देश का कोई कानून किसी धर्म को ध्यान में रख के नहीं बनाया जा सकता तो इस कानून में कोई धर्म को ध्यान में नहीं रखा गया था कहा गया था कि तीन हमारे पड़ोसी देश जहां से सबसे ज्यादा माइग्रेशन होता है अगर वो लोग माइनॉरिटी में, में है किसमें है माइनॉरिटी में है और उनके ऊपर धार्मिक प्रताड़ना होती है तो भारत में आ सकते हैं अब देखो ध्यान से इसको कैसे मैनिपुलेट होता है अफगानिस्तान में मुसलमान को छोड़ के सब अल्पसंख्यक है पाकिस्तान में मुसलमान को छोड़ के सब अल्पसंख्यक है अफगानिस्तान में मुसलमान को के सब अल्प तो सरकार नियम में लिखती है ध्यान से सरकार नियम में लिखती है कि पड़ोसी देश के अल्पसंख्यक जो धार्मिक प्रताड़ना के शिकार है वो भारत आ सकते हैं उन्हें सीए के तहत नागरिकता हैं। शासन में बोला जाता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश से हिंदू बौद्ध जैन सिख ईसाई मुस्लिम को छोड़कर सबको नागरिकता दी जाएगी बात समझ रहे हो समझ गए एक बात तो भाषण था जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बोला है तो सरकार वहां खड़ा होकर कही थी कि भाषण से हमको क्या भाषा हमको भाषण से क्या मतलब है हम आपको लिखित में दे रहे हैं कि जो लोग धार्मिक प्रताड़ना के शिकार हैं और अल्पसंख्यक हैं हम उन्हें नागरिकता दे रहे हैं अल्पसंख्यक को हमारा देश मान्यता देता है क्योंकि हमारे देश में ही पूर्वोत्तर भारत में नागालैंड हो गया मिजोरम हो गया वहां हिंदू अल्पसंख्यक है तो अल्पसंख्यक कोई गलत वर्ड नहीं है तो सरकार सुप्रीम कोर्ट में क्या बोल रही है अल्पसंख्यक कानून में क्या लिख रही है अल्पसंख्यक भाषण में मुस्लिम छोड़कर सब समझ में और यह बात अभी तक उन लोग को नहीं समझ में आ रहा था कि सरकार किसी को देना चुटकी का खेल होता है गृह मंत्रालय का चुटकी का खेल लेकिन ये सब क्या अब क्लियर समझ रहे हैं टेक्निकल भाषा में क्या चाहिए ओके okay, गाइस तो बहुत अच्छी बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो थी खान सर मुझे तो ये सारी वीडियो देख के एक तो मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज मिला खान सर की वीडियो से लिटरली यार बहुत ज्यादा नॉलेज मिलता है और मुझे आज आज फर्स्ट टाइम पता चला कि अगर किसी भी कंट्री के मेनोरिटी जो है वो इंडिया जा सकते हैं अगर उनको अपनी कंट्री के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो उनको जो है वो वहां की नेशन, नेशनल नेशनैलिटी जो है वो भी मिल सकते हैं ये फर्स्ट टाइम पता चला और ये बहुत अच्छी चीज है यार इंडिया सबको दावत देता है अगर तुम लोग को, को कोई प्रॉब्लम है तुम लोग इधर आओ और बंगाली नाइनटीन के अंदर भी काफी जो है रिफ्यूजीज पन के उधर गए थे और उनको जो है वो पना दी गई अपने घर में उनके इंडिया के अंदर खाना खत्म हो गया बट ये था कि सारी चीजें उन्होंने मैनेज कर ली और फिर बांग्लादेश भी उनको दिया और इसके हम लोगों ने देखा किस तरह सर रतन टाटा जो थे वो बताया गया कि पारसी थे बट पारसी लोग वाकई यार बहुत कम जो है वो शादियां करते हैं शांत बिहेवियर होता है उनका और उन्होंने वाकई अब उनकी जितनी भी वेल्थ है जितनी भी उनके पीछे जो है वो छोड़ गए अपनी जायदाद दौलत वगैरह अब उसके उसको लेकर चर्चा हो रहा है कि वो किसको मिलेगी उनके एक स्ट्रेप ब्रदर है उनको कहा जा रहा है कि वो जो है इस सारी दौलत के हकदार है उनके तो सर रतन टाटा को भी जो है वो ईरान से मुझे आज फर्स्ट टाइम सर खान सर की वीडियो से पता चला अच्छा नॉलेज खान सर देते हैं कि ईरान से जो है वो आए वो पारसी थे और उनको जो है वो इंडिया वालों ने पनाह दी और जब पनाह दी तो वो आए और उन्होंने अपना आके बिजनेस किस तरह से उन्होंने बढ़ा दिया और इंडिया ने कोई हर्डल नहीं की। अगर सर रतन टाटा पाकिस्तान होते या कहीं और कंट्री के अंदर होते जहां मिनोरिटीज को दबा के रखा जाता तो मेरे ख्याल से आज जो सर रतन टाटा थे ना वो कभी ना होते ठीक है ये आज सर रतन टाटा जो भी है ना वो सिर्फ इसलिए थे बिकॉज वो इंडिया के अंदर रह रहे थे उनको आगे बढ़ने का मौका दिया गया उनको पढ़ाई लिखाई का मौका दिया गया उनको अपना बिजनेस जो है वो ज्यादा ग्रो करने का मौका दिया गया उसके अंदर किस कोई भी बंदा हर्डल नहीं बना आपको पता है पाकिस्तान के अंदर लास्ट टाइम जो है वो गोल्ड मेडल जो है वो क्रिश्चियन लड़कियां भी जीती थी बट अरशद नदीम को आगे किया गया और वो, वो बेचारी लड़कियों का किसी ने नाम ही नहीं लिया हमारे पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर इतने क्रिश्चियन लोग है इतने हिंदू लोग हैं जो इतने टैलेंटेड है यार तो उनको आगे नहीं लेके आया जाता उनको मतलब सबको पीछे कर दिया जाता है चाहे जितने मर्जी टैलेंटेड हो जितना मर्जी अच्छा काम कर ले उनको आगे नहीं लेके आया जाता सबको जो है वो पीछे कर दिया जाता तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ना ये नहीं सही होता बट इंडिया के अंदर ये चीज नजर नहीं आती तो विच इज़ वेरी गुड थिंग तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी बहुत अच्छी थी बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाय बाय गाइस और अपनी लाइक पैन सेक्शन के अंदर स्थापित कीजिएगा